ये बात तो मैं मिला जल्दी जल्दी सब अगे नहीं अगे नहीं पाओ चलो साइड पाओ थोड़ा ऑन साइड है पाओ मिट्टी के थोड़ा जो ऊपर बैठ सकते नहीं इन्हें तक सामने भी बड़ा माइक कर छोटा वर्मा चलो आगे हाथ लगाओ हाथ लगाओ इसको हाथ लगाओ इसको हाथ लगाओ सामने देखो सामने कैमरे की रख दो नीचे लगा दो थोड़ा दबी मिट्टी फिर पाने थोड़ा थोड़ी मिट्टी पाओ यहाँ मिट्टी पाओ सामने धन्यवाद जब मैं रेडी बोलूं चलो भाई चलो बोलो श्री राम जय राम जय राम उधर चलो खड्डे के पास एक मिनट ऐसे ऐसे रहने में आज श्री द्वारिकानाथ शास्त्री जी महाराज के पवित्र समाधि स्थल की ओर से वृक्षारोपण हो रहा है। ये वृक्षारोपण साल में दो बार होता है, एक बार सावन भादों में ये चल रहा है जो समय, और एक बार जनवरी फरवरी में। तो सारे जो जो पत्रकार बंधुओं की सहायता से मेरी आवाज़ सुन रहे हों, तो सबसे प्रार्थना है कि महाराज श्री को चाहने वाले, इस राष्ट्र को चाहने वाले, कृपया जितना हो सके इतना वृक्षारोपण करें। और ये वृक्षारोपण धर्म का एक अंग है, हर मजहब हर पंथ वृक्षारोपण की बात करता है। अभी अभी हम ये चर्चा कर भी रहे थे कि हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि आयुर्वलम यशोवरचाह प्रजा
पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च त्वाम न देहि वनस्पते। मतलब हे वृक्ष, तुम मुझे आयु वल कीर्ति तेज प्रजा पशु धन ब्रह्म ज्ञान मेधा तीव्र बुद्धि प्रदान करो। ये वनस्पति, ये प्रकृति ही भगवती का स्वरूप है, यही माँ जगदम्बा का साक्षात स्वरूप है। तो सबसे प्रार्थना है कि वृक्षारोपण जरूर करें। और मैं अक्सर कहता आया हूँ कि हम एक घर बनाने में कई वृक्षों का कटाव कर देते हैं, दरवाजे खिड़कियाँ बारियाँ, एक एक घर बनाने के चक्कर में 50-50 वृक्ष खत्म हो रहे हैं। तो एक घर की तरफ से कितने वृक्ष लग रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दें कृपया। तो हर नागरिक अपने जीवन में कम से कम हर साल दर्जनों एक व्यक्ति पेड़ लगा के इस पृथ्वी माता को, धरती माता को दान करें, ताकि ये सबसे एक पृथ्वी के लिए भी और पृथ्वी के साथ साथ पूरी सृष्टि के लिए भी प्रदान होगा। एक हमने थोड़े दिन पहले एक ड्राइव चलाई थी जिसमें रखा था ह्यूमन हेल्थ, नेशन हेल्थ और उसके साथ साथ सॉइल हेल्थ। ये तीनों बच सकती हैं अगर हम गौ सेवा के साथ साथ वृक्षारोपण की ओर जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो। फिर एक बार प्रार्थना करूं, क्योंकि समय थोड़ा है हमारे पास, कि सब लोग कृपया इस सावन भादों में जितने हो सकता है इतने वृक्ष लगाएं। इससे बड़ा धर्म का कोई और काम नहीं है। धन्यवाद। राम राम। जय श्री राम।